सर्विस का गेट आ गया भाई, यहाँ से लेफ्ट लेंगे अपन तो इस सर्विस का गेट आएगा। अब कितने किलोमीटर अंदर चलना है ये अपने को नहीं पता है अभी। खैर जंगल सफारी तो बंद है, संडे भी है और रेनी सीजन में इन्होंने बंद कर रखा है। देखते हैं आगे, अगर कहीं अपने को जंगल का कुछ पार्ट गाड़ी के लायक मिलता है तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे, अदरवाइज। अरे चाची तू चुप हो जाए यार। भाई ये सरिस का गेट था, यहाँ से पांडुपोल जाने का रास्ता है इस जगह से, और सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही ओपन होता है। अभी हमारे लिए ओपन नहीं था, ₹315 कार का टिकट लगता है, लेकिन सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही एंट्री होती है। तो हम देखते हैं आसपास कहीं और जंगल में अगर जाने का मौका मिलता है कहीं आगे से किसी दूसरे गेट से तो वो ट्राई करता है। नीलकंठ जा सकते हैं अपन, सिर्फ नीलकंठ जो है अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बताया। और हाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब? जी भाई साहब ये यहाँ से जाओगे आप? ये पहाड़ी के बिल्कुल जस्ट नीचे। नहीं वो हमें पता है रास्ता तो, हम उधर से आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन किसी ने बोला कि भाई सर इसका शायद एंट्री खुल रही होगी तो आप गेट के अंदर पांडु पोल होके आ सकते हो। चलो नीलकंठ जाते, थैंक यू भाई साहब। तो नीलकंठ जा रहे हैं हम, वहां पे देखते हैं कोई अच्छी सी डेस्टिनेशन मिलती है तो, अदरवाइज। क्या बताया था सर वहाँ पे, एक चीज बताई ना इन्होंने? नीलकंठ का यह मंदिर बताया, नीलम का प्राचीन शिवलिंग है। अच्छा अच्छा, बहुत पुराना, नीलम से बना हुआ, नीलम से बना हुआ। चलो दिखाते हैं आप लोगों को भी। मैं तो बोल रहा हूँ अभी दे दूंगा, मैं तो वही नहीं जीतता। जो पहाड़ अपने को सामने दिख रहा था जब अपन आ रहे थे, उसी पहाड़ पे अपन अब चढ़ रहे हैं। बाकी बरसात और धूप दोनों एक साथ चल रही है, बीच बीच में धूप और बीच बीच में बरसात। बाकी ऑटोमेटिक गाड़ी होने का कितना फायदा रहता है यार। अरे भाई साहब ये होटल नहीं है, अर्टिगा की जान निकल रही है भाई। इन लूप्स जो है, ये जो लूप है ना, घाटा लूप की याद आ गई मेरे को, लद्दाख जा रहे थे जब, उसकी तो जान निकल रही है। उसको बोल देते ना कि भैया हमें निकल जान दे। कितने लूप है? HR 55 और है। अरे बाकी यार जंगल देखो यार, क्या घना जंगल है। और सही कहा था उस भाई ने यार कि बहुत डेंस जंगल मिलेगा आपको ऊपर। हाँ अच्छा अच्छा नजारा निकल के आएगा। डूजे आगे, डूजे कान में। अरे मोर क्या खूबसूरत लग रहा है। शायद कैमरे में आपको उतनी हाइट दिख नहीं रही होगी लेकिन ये काफी इंक्लाइन है। ओ, उस रोड से आए थे अपन, उस रोड से किस कितनी हाइट पे आ चुके अपन, ये देखो जबरदस्त। ये प्रवेश द्वार है नीलकंठ जाने के लिए, और 1 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से लंगूर। और तेरी तो ऐसा रास्ता है क्या? माता जी को मंदिर देखते हो? यार ये तो जबरदस्त लग रहा है यार, हैं? रात में यहाँ पे आओ तो ये भी डरावना लगेगा। उड़ जाएंगे पर मैं वहां तक पहुंचूंगा जब तक। तो ये देखिए दो मोर बैठे हुए हैं, एक मोर और एक मोरनी जोड़ा था। अरे मैं उसके पास जा रहा हूँ और वो जो है ना भाग रहा है। गाइस अरे एक मिनट चुप तो रहे। गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना, जो चिड़ियाओं का मोर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है ना, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है नेचर के बीचों बीच अपन बैठे हुए हैं ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये नेचर थेरेपी होती ना अगर, वो कुछ वो चीज़ फील हो रही है। ये साउंड सुनो,
पता नहीं आपको कितना आ रहा होगा लेकिन मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। स्कॉर्पियन जो है गजब परफॉर्म कर रही है। तो गाइस हमने एक घंटा इस जगह पे काफी एंजॉय किया। आप जगह देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। और वहां हमने हमारा सेटअप लगा रखा था, चेयर्स वगैरह, स्टूल वगैरह, और वहीं पे हम थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले रहे थे, ये हमारे गौरव बीरपाल जी। और खूबसूरत नज़ारे के साथ में हवा भी अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, घटाएँ बड़ी बेहतरीन हो रखी है। ये देखिए आप क्या हवा चल रही है, देखो पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। ओवरऑल जो है काफ़ी मज़ा आ रहा है, मौसम का, जगह का, गाड़ी का और अपने कैंपिंग सेटअप का भी। तो अब इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।